कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का आज जन्मदिन है, जिसको उनके समर्थकों ने धूमधाम से मनाया। इस मौके पर इंदौर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और समाज सेवा की अपील की गई। यहां कांग्रेस के युवा नेता सुवेग राठी ने महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में बच्चों के बीच जयवर्धन सिंह का जन्मदिन मनाया। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में दिव्यांग बच्चों के बीच कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का जन्मदिन मनाया गया, जिसको लेकर भारतीय युवा कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव सुवेग राठी ने बताया कि महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ से दिग्विजय सिंह और उनके पिताजी का गहरा नाता रहा है, इसीलिए उन्होंने यहां पर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का जन्मदिन मनाने के बारे में सोचा, जिसके तहत उन्होंने दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटा और मिठाई फल समेत सामग्री का वितरण किया। हमारे आज प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और हमारे रावुगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह जी का जन्मदिन है, तो हमारे दोस्त यारों ने और सब साथियों ने हमारा ये डिसाइड करा, आज एकदम अल्प समय में हमने डिसाइड करा कि क्यों नहीं हम उनका जन्मदिन कुछ सेवा कार्य के साथ में, कुछ पुनीत कार्य के साथ में हम मनाएं। तो इसलिए हमारे मन के अंदर विचार आया कि क्यों ना हम महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ की दिव्यांग बच्चियों के बीच में जाकर, ये विचार इसलिए भी आया हमारे मन के अंदर क्योंकि इस संस्था से दिग्विजय सिंह जी का भी कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है। मेरे पूज्य स्वर्गीय पिताजी के आग्रह पर माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस संस्था के प्रथम तल के निर्माण के लिए अनुदान राशि स्वीकृत करी थी सर्वप्रथम, तो इस कारण भी मन में ये भाव था कि इन्हीं बच्चों के बीच में, इसलिए कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव है पारिवारिक रूप से, और चूंकि मेरे पिताजी यहाँ के संस्थापक भी रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर ब्लाइंड बच्चियों के बीच में, दृष्टिहीन दिव्यांग बच्चियों के बीच में कि हम उपस्थित हुए। हमने उनके साथ में केक काटा, हमने उनके साथ में मिठाइयाँ वितरित करी हैं, फल फ्रूट हमने वितरित करे हैं और जो भी जरूरी उपयोगी उनके जीवन के उपयोगी जो भी सामग्री जो रहती है वो हम यहाँ पर आके इनको डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के समर्थक मौजूद रहे और उन्होंने उनकी लंबी उम्र की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।